दोस्तों आज के वीडियो में हम आर्किटेक्चर के ऐसे अद्भुत नमूनों के बारे में बात करेंगे दुनिया की शानदार बिल्डिंग्स के बारे में जो आपने आज से पहले ना तो कभी देखी होंगी और ना ही पहले कभी सुनी होंगी। तो दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आपको आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है और आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो 7 अजूबों के बाद बुर्ज खलीफा का ही नाम आता है ना आपके दिमाग में कि सबसे ऊंची और सबसे शानदार बिल्डिंग्स में से है एक वो। लेकिन आज के वीडियो में हम जिन बिल्डिंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके आगे बुर्ज खलीफा भी कुछ नहीं है, रह गए ना हैरान। तो दुनिया में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज उनमें से ही कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। नंबर 1, अगोरा टावर ताइवान। ये बिल्डिंग ताइवान की राजधानी ताइपे में है। 20 से ज्यादा फ्लोर वाली इस बिल्डिंग की हर फ्लोर पर एक बगीचा बनाया गया है। इस बगीचे में फ्रूट्स के बगीचे भी हैं और फूलों के बगीचे भी हैं जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। ये गार्डन कम लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो कि 90 डिग्री में घूम सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 90 डिग्री में घूम सकती है। कुछ इसी तरह की तस्वीर DNA अणु की होती है। 42,335 वर्ग किलोमीटर एरिया की इस इमारत के हर फ्लोर पर 2 ही फ्लैट हैं। इस बिल्डिंग की एक और खासियत है कि इसमें उपयोग हुआ मटेरियल पूरी तरह से रिसाइकिल हो सकता है जो कि हमारी पृथ्वी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग भी प्रदूषण से बचना चाहते हैं वो जरूर जाकर रहना चाहेंगे। इस बिल्डिंग में 40 स्विमिंग पूल, जिम और सारे ही स्पोर्ट की सुविधा मौजूद है। इस बिल्डिंग की छत में सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि काफी विशाल है, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बिजली की जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली और ये बिल्डिंग पूरे तरीके से हाईटेक है। ये बिल्डिंग बाहर से और अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी और ये 2017 में बनकर पूरा हुआ। नंबर 2, रेफल सिटी चोंगक्विंग। ये बिल्डिंग चाइना के चोंगक्विंग में बनाई गई है। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि पहले इसे बनाने के लिए 6 टावर को 28-28 मंजिला बनाया गया, फिर 4 टावर के ऊपर एक घुमावदार स्काई केपर बनाया गया जिससे ये आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नायाब अजूबा लगता है। इस स्काई क्रेपर की लंबाई 300 मीटर है। इस स्काई क्रेपर के अंदर आपको कई तरीके के रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल्स, जिम, क्लब और बहुत से गार्डन्स भी मिलते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस स्काई क्रेपर में 3,000 ग्लास पैनल लगे हुए हैं और 5,000 एल्युमिनियम पैनल लगाए गए हैं। इस बिल्डिंग में लग्जरी होटल, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स, ओवरऑल सारी की सारी फैसिलिटीज हैं। बाकी के 2 टावर पर हेलीपैड बनाए गए हैं तो जब कभी भी कोई VIP पर्सन होता है तो इस बिल्डिंग के ऊपर ही लैंड कर सकता है। इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत 2013 में हुई और 2020 में ये बिल्डिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। ये बिल्डिंग वास्तव में आर्किटेक्चर का अद्भुत नायाब नमूना है। नंबर 3, डायनामिक टावर। ये बिल्डिंग दुबई में बनाई गई है। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे पहली घूमने वाली गगनचुंबी इमारत में से एक है। अगर देखा जाए तो बुर्ज खलीफा भी इसके आगे कुछ नहीं है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने अपार्टमेंट को घुमा सकते हैं। इस बिल्डिंग को 2008 में इजराइल इटालियन आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने बनाना शुरू किया था और 2020 में ये बनकर पूरा तैयार हुआ। इस बिल्डिंग में 80 मंजिल हैं जिनकी ऊंचाई 1,375 फीट है। घूमने वाली बिल्डिंग के तौर पर ये बिल्डिंग में रहने वाले लोग पूरी दुबई का 360 व्यू का मजा ले सकते हैं। ये बिल्डिंग दुनिया की पहली 4D स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है। इसकी छत पर भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग से आप पूरी दुबई का सुंदर व्यू ले सकते हैं क्योंकि जिस भी साइड में आप चाहें उस तरीके से आप अपने अपार्टमेंट को घुमा सकते हैं। नंबर 4, सोंगजियांग होटल। ये होटल चीन के शंघाई में बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड होटल है। इसे बनाने में 12 साल का समय लगा। इस बिल्डिंग में 18 फ्लोर्स हैं और जिसकी अधिकांश मंजिलें जमीन के नीचे ही हैं। इस होटल को बनाने में 5,000 आर्किटेक्चर, इंजीनियर और मजदूरों ने मिलकर बनाया है। 88 मीटर गहरे इस इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड होटल को शिमाओ क्वेरी होटल के नाम से जाना जाता है। इस होटल में एक रात ठहरने का किराया $14,000 है,
जो कि अगर भारतीय रुपयों में देखें तो 10,95,605 रुपए लगभग होगा। इस बिल्डिंग को ब्रिटिश आर्किटेक्ट मार्टिन जोपमैन ने बनाया है। इस होटल में समुद्र का नजारा बड़े ही करीब से ले सकते हैं आप, और पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा गया है, यानी कि आपके आसपास ही समुद्री जीव जंतु होंगे, आप उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपने लंच किया तो उसका मजा ही डबल हो जाएगा। नंबर 5, पेनुम्बरा। इस बिल्डिंग को फ्रांस के आर्किटेक्ट ने बनाया है, और इस बिल्डिंग में एक ऐसा विंडो शटिंग बनाया गया है जो कि सूरज की रोशनी के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेती है। मतलब अगर आपको धूप की रोशनी नहीं चाहिए तो आपको उस पर पर्दे डालने की जरूरत नहीं है, ये विंडो जिधर धूप पड़ेगी उधर ही हो जाएगी। धूप की रोशनी से आपका कमरा बचा रहेगा, धूप की किरणों से ही ये विंडो खुलती और बंद होती है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 अद्भुत बिल्डिंग जिनके आगे एफिल टावर, बुर्ज खलीफा कुछ भी नहीं है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में इसी तरीके की रोचक जानकारी आप तक पहुंच सके।